अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है कॉर्न का बैटर। बैटर तैयार करेंगे या आप कह सकते हैं कि मसाला सा तैयार करेंगे जिसमें डिप कर करके आप कॉर्न को खा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कॉर्न के बारे में बता दूँ, ये है कॉर्न ऑन द कॉब और ये कुक्ड है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कुक्ड है एंड रेडी टू ईट है। ये मैंने ली है जनाब B&M से, B&M जो फूड्स वाला है वहाँ से मैंने ये ली थी एंड 1 pound की ही थी और इसके अंदर ये 2 portions है, ठीक है। 2 corns से मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ, इस तरह से ये 2 corns हैं और कहते ये हैं कि ये कुक्ड है और रेडी टू ईट है, लेकिन एकदम से रेडी टू ईट नहीं है क्योंकि ये फ्रिज में रखी होती है, एकदम से आप निकाल के ठंडी ठंडी इसको नहीं खा सकते। तो इसके लिए उन्होंने हमें 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका तो वो कहते हैं कि आप इसको माइक्रोवेव कर लें। माइक्रोवेव करने का क्या तरीका है, वो कहते हैं इस बैग को जो ये पैकेट है इसको ऊपर से आप फाड़ लें और एज इट इज़ माइक्रोवेव में रख दें और 2 to 3 minutes के लिए इसको फुल पावर पे हीट करें और आप जी रिमूव कर लें कॉप्स को इस बैग में से और आराम से आप खा सकते हैं। सेकेंडली वो कहते हैं कि आप क्या करें कि आप इसको चूल्हे पे हीट कर लें। चूल्हे पे हीट करने का क्या मतलब है कि आप एक देगची या कोई पैन वगैरह लें, उसमें पानी डालें, उसको बॉयल करें और उस बॉयल्ड वाटर में या बॉयलिंग वाटर में जो अभी उबल रहा हो उसको आपने चूल्हे से नहीं उतारना, चूल्हे पे ही रहने देना है। और ये पूरा पैक आपने इसको इस पैकेट को खोलना नहीं है, इसमें से कौन सी मूव नहीं करनी है, एज इट इज़ उठा के पूरा पैकेट आपने जो है वो बॉयलिंग वाटर में डाल देना है। तकरीबन 8 minutes आपने इसको पकाना है ताकि अंदर तक जो है वो कॉर्न्स इसकी गर्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो कॉर्न है ये गर्म गर्म ज़रा ज़्यादा मज़े की लगती है। तो अच्छी तरीके से अंदर तक 8 minutes आपने पकाने के बाद इसको निकाल लेना है जब ये गर्म हो जाएगी। और फिर आपने इसको खाना किस तरह है मैं आपको छोटा सा एक बैटर से तैयार करके बताऊंगी कि उसमें डिप कर करके या उसके साथ लगा लगा के आप किस तरह से इसको खा सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जी तो जनाब, मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है और उसमें मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा हाफ पैन से ज़रा ज़्यादा ही मैंने पानी डाला है। पानी जितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो अच्छा है कि आपकी पूरी कॉर्न्स उसमें डिप हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जो ही पानी में बबल्स बनना शुरू होंगे, पानी सही तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें अपनी कॉर्न्स डाल दूँगी। जी तो जनाब, कॉर्न्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें क्या क्या इन्होंने शामिल किया हुआ है। वो कहते हैं इंग्रेडिएंट्स में है स्वीट कॉर्न, सॉल्ट एंड सिट्रिक एसिड जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। ये चीज़ें हैं जनाब जो इसमें शामिल है। फिर थोड़ा सा इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या फैट्स हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं और एनर्जी कितनी है, ये वो सब चीज़ें इन्होंने इस पर लिखी हुई हैं। आपको ये इजीली कहीं से भी मिल जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस तरह की कुक्ड नहीं मिलती, आपको अनकुक्ड मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अनकुक्ड भी आप ले सकते हैं और अनकुक्ड के लिए आपने करना क्या है, इसी तरह किसी भी पैन में किसी भी चीज़ में आपने पानी रखना है और उसमें ढेर सारा नमक डालना है। नमक आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है, ठीक है जी। ढेर सारा नमक डालेंगे और अपनी कॉर्न्स को उबलने के लिए रख देंगे। पाकिस्तान वगैरह में तो आपको पता है कुकर होते हैं, इंडिया में कुकर होते हैं, उसमें बहुत जल्दी कॉर्न्स बन जाती हैं। लेकिन अगर हम यूके वगैरह की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों के लिए कुकर वगैरह ईजिली अवेलेबल नहीं होते, हम लोगों के घरों में होते ही नहीं हैं कुकर। तो थोड़ा मुझे डर भी लगता है कुकर से। तो ये है कि अगर इस तरह से आपको ये बनी हुई मिल जाए, कुक्ड मिल जाए तो भी ठीक है, अगर आपको अनकुक्ड मिलती है तो भी कोई मसला नहीं है। आपने पैन में पानी और नमक डालकर उसको उबलने के लिए रख देना है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। यानी कि आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये कुक्ड है और बैग समेत वो कहते हैं जी 8 minutes आप इसको बॉईल कर लें, तो जो अनकुक्ड है ऑलमोस्ट 25 to 30 minutes तो उसको लगेंगे कुक होने में। तो जनाब चेक करते हैं अपना पानी, नहीं अभी नहीं हुआ है। जो ये पानी बॉयल होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने कॉर्न्स को पानी में डालना है। जी तो जनाब, जितनी देर में हमारा पानी अभी बॉयल हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा शो करा देती हूँ। ये देखिए जनाब, अभी बिल्कुल सही तरीके से बॉयल नहीं हो पाया। ये देखिए जनाब, अभी बहुत अच्छी तरह इसमें उबाल नहीं आया, हल्का हल्का ये बॉयल होना शुरू हो गया है। तो मीनवाइल मैं क्या करूँगी कि मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जो है वो मैंने इसका
मटेरियल से तैयार करना है जिसको मैं कॉर्न के ऊपर लगाकर खाऊंगी। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ी चटोरी टाइप की हूँ, मुझे चटपटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगी। मे भी कुछ लोगों को थोड़ा कम मिर्च मसाला पसंद हो, वो उस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो जनाब इस तरह से मैंने एक बाउल लिया है और उस बाउल में सबसे पहले मैं डालूंगी लेमन जूस। बीज को हम बाद में निकाल लेंगे। इस तरह से लेमन जूस मैंने काफ़ी सारा फ्रेश लेमन का जूस निकाल लिया। यूके में तो आपको पता है कि काफ़ी बड़े साइज़ के लेमन मिलते हैं, तो एक लेमन में से ही अच्छा खासा आपका जूस निकल आता है। इस तरह से मैंने ले लिया लेमन जूस। बीज को हम किसी भी स्पून की मदद से निकाल लेंगे। जी तो जनाब इसमें से मैंने बीज निकाल लिए थे, अभी तक मैंने सिर्फ क्या लिया है, फ्रेश लेमन जूस। अब इसमें हम मज़ीद क्या डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जितना सॉल्ट आप लोग पसंद करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक आपने डाल लेना है। थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैं साथ इसमें चाट मसाला भी ऐड करने वाली हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला मुझे ज़रा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी। और उसके अलावा ये है मेरे पास इमली की चटनी, ये रीगल वालों की टैमरिंड चटनी है या टैमरिंड सॉस आप कह सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी करूँगी। अगर आप लोगों के पास इमली है तो आप इमली की गिटके निकाल के उसका गूदा भी शामिल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई भी टैमरिंड सॉस ले लें और इस बैटर को अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। तो जनाब इसको इतनी देर हस्बैंड मेरे मिक्स करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है और अब हम किस तरह से कॉर्न्स को उस पानी में डालेंगे। ये देखिए जनाब कितने ज़्यादा धुएं निकल रहे हैं पानी के, अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है और इसको पैकेट समेत मैंने इसमें डाल देना है। ये देखिए इस तरह से आपने, और पानी का लेवल आप देख रहे हैं कि इतना है कि उसमें कॉर्न जो है हमारी अच्छी तरीके से डिप हो गई है। अब मैं टाइम नोट करूंगी और पूरे 8 मिनट्स इसको बॉईल करने के बाद मैं वापस आती हूँ। जी तो जनाब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस तरह से इसकी शक्ल निकल आई है। अभी तक तो हमने सारी खट्टी खट्टी चीज़ें डाली थी, मिर्चों वाली चीज़ें डाली थी, जैसे कि मैंने इसमें लाल मिर्च डाली, इसमें मैंने चाट मसाला डाला, टैमरिंड चटनी डाली या टैमरिंड सॉस कह सकते हैं वो डाला, वो भी ज़ाहिर है खट्टा सा होता है। अच्छा जी, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालते हैं, इसमें अजवाइन पाउडर डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, ये टोटली उनके ऊपर है, अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। दूसरी बात, ये इंतहाई खट्टा खट्टा सा मटीरियल बन जाएगा जो कि आपसे खाया नहीं जाएगा, और लेमन भी हमने ऐड किया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी शुगर। ठीक है, अब ये जो शुगर ऐड होगी ना, ये इसको एक बहुत ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा सा टेस्ट देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी कॉर्न जो है वो बॉईल हो रही है, और अभी कितने मिनट्स हुए हमें बॉईल करते हुए, 4 मिनट्स हमें हो चुके हैं इसको बॉईल करते हुए। 4 मिनट्स मज़ीद ये बॉईल होगी और ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। जी तो जनाब हमारी कॉप जो है या हमारी कॉर्न जो है वो हमारी अब हो चुकी है रेडी। इतना हॉट नहीं है ये मैंने उसमें से निकाला, लेकिन थोड़ा बहुत हॉट है, आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। मैंने इस टोंग की मदद से इसको इस तरह से पकड़ के उसमें से निकाल दिया था, बहुत एहतियात करनी है आप लोगों ने इसको हॉट वाटर से निकालते हुए, और मैं छोटे बच्चों को बिल्कुल भी मतलब रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर बेशक के कुंवारी लड़कियाँ वगैरह भी हैं तो वो प्लीज़ बड़ा एहतियात से सब काम कीजिए। उसके अलावा ये है कि अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, बहुत हॉट है अभी, ओह माय गॉड, तो ऐसा ना हो कि हाथ जल जाए। इसको ज़रा सा ठंडा होने का मौका ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपने उसके बाद इसकी शीट वगैरह
काट के और आपने इसमें से कॉर्न्स निकाले। ठीक है जी, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो जनाब, ऊपर से पैकेट थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो मैंने इस तरह से इस पैकेट को बीच में से, इधर से बीच में से कट करके ओपन कर लिया है पैकेट को। और ये स्टीम आपको नज़र आ रही होगी, धुआं नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी हॉट और ज़बरदस्त गर्म है। मुंह में पानी तो आ रहा होगा हम लोगों के। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये गर्म हुई हुई है हमारी कॉर्न। जी तो जनाब, कॉर्न को मैंने हाफ में कट कर लिया था और इस तरह से मेरे पास चार पीस बन गए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गर्म है, प्लीज़ एहतियात कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम या तो अपने कॉर्न के ऊपर थोड़ा सा इस मटेरियल को छिड़क सकते हैं स्पून की मदद से, इस पे और इस पे डाल दें। पहले इस पे या इस पे? इस तरह से, ये देखिए जनाब कितना टेस्टी है। हस्बैंड के मुंह में बहुत पानी आ रहा है बस, क्योंकि वो बेटे ने खाना होगा ना तो उसको मिर्चे ना लगे। तो इस तरह से आप इस पे भी डाल सकते हैं या थोड़े थोड़ा लेके और इसमें डिप कर करके भी खा सकते हैं, जैसे आपको मज़ा आए, जैसे इजी लगे। हाँ जी, थोड़ा सा टर्न करके इधर भी डाल दें। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, और जब आप खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे ज़रूर कि आपको मैंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ बताई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, गुड बाय।